थाना मातगुआ पुलिस ने अवैध कट्टा फैक्ट्री में मारा छापा। फैक्ट्री संचालक व खरीदार गिरफ्तार। अवैध अधबने हथियार निर्माण सामग्री एवं औजार जब्त। अवैध हथियार फैक्ट्री संचालक सुखलाल विश्वकर्मा पूर्व से अवैध हथियार के अपराध में लिप्त। छतरपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियारों के स्रोत कट्टा निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई की गई है और अवैध हथियार अधबने हथियार एवं निर्माण सामग्री जब्त कर संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। थाना मातगुआ पुलिस को रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम निमटोरिया बुदोर में अवैध हथियार बनाकर बेचने संबंधी सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम निमटोरिया बुदोर पहुंचकर संबंधित थाना पर विधिवत छापा मार कार्रवाई की। सुखलाल विश्वकर्मा अवैध हथियार देसी कट्टा निर्माण का काम कर रहा था। उसने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। हथियार निर्माण सामग्री, औजार, हथियार, कारतूस सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। फैक्ट्री संचालक सुखलाल द्वारा विक्रय किया हुआ हथियार 315 बोर का देसी तमंचा खरीदार त्रिलोक सिंह चौहान निवासी ग्राम नंदिया थाना महाराजपुर को ग्राम परा चौकी के पास से गिरफ्तार कर जब्त किया गया। आरोपी हथियार फैक्ट्री संचालक व विक्रेता तथा खरीदार के पास से एक 315 बोर का चालू देसी कट्टा, दो 315 बोर के कट्टे अधबने, एक 12 बोर का कट्टा अधबना, टेस्टिंग हेतु 315 बोर के दो खाली खोखे, दो बोर के दो जिंदा कारतूस एवं पांच खाली खोखे, दो अधबने बैरल, 15 नग स्प्रिंग, एक लोहे का वॉक, दो लोहे की रेती आरी ब्लेड, ड्रिल मशीन व छेद करने की मशीन, प्लास एवं अन्य औजार सहित लोहे की चादर का टुकड़ा जब्त किया गया। अवैध हथियार फैक्ट्री संचालक व विक्रेता तथा खरीदार के विरुद्ध आयुक्त अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अवैध हथियार फैक्ट्री संचालक सुखलाल विश्वकर्मा के विरुद्ध पूर्व से भी अवैध हथियार संबंधी दो अपराध दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। अवैध हथियार फैक्ट्री छापामार कार्रवाई में SDOP बिजावर शशांक जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मातगुआ, उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा, सहायक उप निरीक्षक धनीराम तिवारी, प्रधान आरक्षक राजेंद्र तिवारी, मुकेश कुशवाहा, राम मिलन, ओम प्रकाश, जयचंद, आरक्षक अंकित सोनी, कुलदीप, सत्यनारायण, देवी चरण, पंकज सुभाष, रवि परसरिया, दिलीप एवं महिला आरक्षक साक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनेन्दु पहाड़िया की रिपोर्ट।